घर वाले को चकमा देकर नरवर की 20 वर्षीय युवती को भगा ले गया बैराड़ का धर्मवीर। एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती 30 अक्टूबर की रात बिना बताए घर से लापता हो गई। परिजनों द्वारा युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट नरवर थाने में दर्ज कराई गई है। इसके बाद परिजनों को पता चला कि युवती मोबाइल पर बैराड़ के धर्मवीर खटिक से बात करती थी। परिजनों को संदेह है कि धर्मवीर खटिक ही उनकी लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है। ये बात परिजनों द्वारा नरवर थाना पुलिस को बताई गई, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे परेशान होकर परिवार वालों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए युवती को बैराड़ कस्बे के धर्मवीर खटिक के चंगुल से छुड़ाने की गुहार लगाई है पुलिस अधीक्षक से। पुलिस ने परिजनों को जल्द ही इस मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम कमल गुरु। कहाँ से आये हूँ? नरवर से। अच्छा, आ जाइए, एसपी ऑफिस आयु क्या समस्या लेके आये हूँ? मेरी बच्ची गई, पता नहीं है कहाँ है, रात के 10 बजे थे, 10:30 बजे थे। अच्छा, कैसे लापता हुई आपकी बच्ची? वो बर्तन मार गई थी, सो गया, खाना खा के सो गया, वहाँ मेरे को खाना दिया, खाना खा के मैं सो गया, सो गए और मैं सो गया, मेरे को नींद लग गई। उसके बाद में कॉल आया, कॉल के बाद में मेरे वो मैं उठा ही नहीं आता, सो ही गया था, और सो गया मैं उठ के देखा तो लड़की खराब। कोई आपकी बच्ची ने कुछ बताया नहीं थे? कोई बता देती तो फिर मैं भाई पीछे ही नहीं बदल लेता। अच्छा, क्या नाम था आपकी बच्ची का? मेरी बच्ची का है ना, वो कहना कविता। तो कोई अगर संबंध चल जाता है उससे? नहीं, कोई संबंध नहीं आता। पर कैसे भागी वो? पता नहीं है कहाँ से, क्या जाएंगे साहब, मेरे को इतना कोई पता नहीं। उम्र कितनी थी? भाभी 19 साल। 19 साल थी? कोई शादी शुदा थी क्या? हाँ? शादी हो गई थी क्या बच्ची की? नहीं, अभी शादी हो जाती तो फिर मैं लपेट कर खाऊंगा, तो मैं पढ़ाई हो जाती। तो कोई लव मैरिज चल रहा था क्या? नहीं, कोई लव ले नहीं। तो फिर कैसा क्या पता चला कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है? आपको पता है कि कहाँ पे है वो बच्ची? कॉल आए थे साहब, कॉल से मुझे को पता है, कॉल निकाले थे, कॉल से पता पा रहा। कैसा कॉल आया था? कॉल में बोला था क्या नाम है, मैंने कहा हेलो आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं बैराज से बोल रहा हूँ। बाद में पता पा रहा है कि वहाँ में भी देखा, मोबाइल में देखा तो मोबाइल में कॉल वहीकल नंबर आए थे मोरा के, मोरा ने हमने लगाए तो फिर सवेरे लगाए तो सवेरे बोला कि मैं सीपी आया था 8:30 बजे सीपी आया था वहाँ में। और फिर इसके बाद में मैं और मेरी मोरी भैया 10:20 के बीच में। आपके पास जो कॉल आया था आपकी बच्ची के अकॉर्डिंग आया था, कैसा आया था? अब जब मेरे को मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है साहब, कैसा आया था आपकी बच्ची का अकॉर्डिंग आया था, कैसा आया था? बच्ची के मामले में ही आया था, बच्ची के मामले में ही आया होगा जब तो आई है। बच्ची के मामले क्या कह रहा था वो? अब मेरे को साहब मैंने तो इतना सुना नहीं, कॉल पे सुनता था फिर मैं सोच रहे। तो आपने तो बोला कॉल आया था ये? हाँ, तो मैंने तो मोबाइल में देखा उसके नाम के।